सुबह के डाउट्स बताओ जल्दी से चैट पे। पहले कितने हैं? 2 है, बहुत बड़ी है ना। हाँ सर, हाँ यस सर, सर, 70 है अपने को। लास्ट सर है मेरे टूर। 1 to 40 के डाउट्स बताओ सर। 1 to 40। तो इसका डाउट है 20th। सर आ रहे मन गलत बात, सी सर द सर क्लास सर क्वेश्चन। एक सर सॉल्व मत करना सर, एक ही डाउट है सर। सर वो कौन सी लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है सर? लाइक आई एम कंफ्यूज, वो ओरिजिन टू लाइन वो पूछ रहा है? किसी भी लाइन का इक्वेशन नहीं पूछ रहे, वो लोकस का क्वेश्चन पूछ रहे, इक्वेशन ऑफ द पाथ। हाँ सर, वो किसका लोकस पूछ रहा है वो ही समझ नहीं आ वो रहा। तो लिखा हुआ है ना यार, आने में डिस्क्राइब बाय द फोटो परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर का लोकस पूछ रहे हैं। अच्छा ओके सर, मुझे आ ही गया, मुझे गलत ही क्वेश्चन और बोला ये था। सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है ना, देखो याद है एक ही लाइन की क्वेश्चन 2 बार लिखी थी और कंपेयर की थी। ट्वेंटी हाँ सर, टू किसका डाउट? सर गोपाल एलजेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस मतलब मोड मत लगाना बस, समझना। यस सर। लेट्स से ये देखिए रे, सारे पॉइंट्स, ये रही वो लाइन, तो फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस इससे कितनी होगी? ये सर एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विदाउट मॉड। मॉड। दूसरे की भी सेम वे में आएगी ना। यस डिनोमिनेटर सेम आ गया, यस सर। ये गया, सारे ए के टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, समेशन x1, बी के टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। कमॉन, फैमिली ऑफ लाइन में मैंने बताया था ना कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट या किससे पास करे, वो कैसे शॉर्टकट से निकलते हैं, यस सर, अभी उसको डिवाइड बाय थ्री इसको कीजिए ताकि वो डिवाइड बाय फॉर्म में आ थ्री कर दूँ। जाए। और हमें पता लग गया अब कि ये लाइन किससे पास कर रही है, जिसका सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स है समेशन x1/3 एंड समेशन y1/3, जो कि अच्छा कौन ओके है, सर, सेंटर। थैंक यू। सेंट्रोइड ध्रुव ओके, एक बार के लिए सुन लो, लैटिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? मैंने शायद से बताया था, किसी ने पूछा था, सर, गोपाल ने पूछा था। इंटीग्रल इंटीजर पॉइंट्स कोऑर्डिनेट वाले इनसाइड। पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स मींस, वैसे पीएनसी में ये पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉइंट्स विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? नेचुरल नंबर कोऑर्डिनेट्स या इंटीजर कोऑर्डिनेट्स? इंटीजर इंटीजर। तो इंटीजर 3x+7y=21 मीट एट ए एंड बी। द रेक्टेंगल ओ ए पी बी इज कंप्लीटेड, ये हमने करा हुआ इस टाइप का राइट सिनेरियो। द यस सर, नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इनसाइड दिस रेक्टेंगल, इनसाइड दिस रेक्टेंगल बोला। काउंट कर लो यार, जैसे x=, जो भी इंटीजर पॉइंट्स होंगे उसमें सबसे लोएस्ट एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा, एग्री करो। यस सर, और हाईएस्ट कितना होगा? सिक्स x=1 के कितने पॉइंट होंगे? 1,3 तो यहाँ पे आ गया ना, आया ना, यस सर, तो कितने होंगे? 1,1 और वन वन कॉमा कॉमा टू टू इसके 2 होंगे, एग्री करो। यस सबके 2 होंगे ना, x=2 के भी 2 हाँ होंगे, सर, x=3 के भी 2 होंगे, ट्वेल्व तो 2 × 6 कितना आंसर हो गया? ट्वेल्व क्लियर? 24th यस सर, किसका जय डाउट? आदित्य।
दिस इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, नॉट स्ट्रेट लाइंस पर से. ABCD इज अ रेगुलर हेक्सागन. बट बहुत लंबा क्वेश्चन। तूने सही नहीं सोचा, इसका लंबा है. ए बी सी डी ई और एफ. ए और बी एक्स एक्सेस पे, तो ऑब्वियसली फिर डी ई भी कहाँ पे हो गया, एक्स एक्सेस पे है ना. सर, साइड यस सर, की लेंथ वन है, हर साइड की लेंथ वन है. द रिमेनिंग वर्टाइसेस आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा होगा. समझ में आ गया ना. हाँ सर, यस इक्वेशन ऑफ सी ई पूछा है, दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे. हाँ है ना. ठीक सर, यस ओके, तो ये वन है, ये वाला पार्ट भी वन है. ये एंगल 60 होता है, ये 60 होता है, तो ये भी 60 डिग्री है. तो यस सर, अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं तो ये क्या होगी, 1 cos 60 डिग्री. एग्री करो. यस सर, या पैरामेट्रिक। ये 1 sin 60 डिग्री, राइट. यस सर, अब कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस ना, और वाई कोऑर्डिनेट ये होता है. तो यस पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट तो बता दो पहले. कम ऑन, पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट बता दो. 3/2। रूट 3/2. एक्स कोऑर्डिनेट हाफ होगा या हाफ प्लस दिस डिस्टेंस. यस सर, हाफ प्लस टू, ये डिस्टेंस 2 है, तो 2 + 1/2 = 5/2. कोई डाउट आता है. नो सर, अब पॉइंट ई, पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट तो सबने गैस कर लेना चाहिए, 1 ई. एवरीवन यस सर, यस ए के ऊपर ही होगा ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है, रेगुलर हेक्सागन है ना. सर, अब यस वाई कोऑर्डिनेट के लिए मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. कम ऑन, अरे सर, करके हर एंगल 60 डिग्री है ना, इसलिए ठीक है. मुझे ये डिस्टेंस चाहिए एक्चुअली. इसको पूरे को एक्स मान लिया तो ये एक्स बाय टू है ना. हाँ सर, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री. 60 डिग्री, हाँ सर, 60 डिग्री। और कुछ पता है. अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वन है, तो ये भी वन है, ये भी वन है ना. तो हाँ सर, यस सर, अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल को वापस बना रहा हूँ यहाँ पे. ये एक्स बाय टू है, ये 60 डिग्री है, और ये लेंथ वन है. साउंड गुड. यस सर, क्या यूज कर लूं, sin 60 डिग्री. sin 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यस इज इक्वल टू एक्स बाय टू. एक्स कितना हो गया, √3. सर, मतलब पॉइंट ई का वाई कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स ही तो है, इट हाँ सर, इज √3. हाँ है ना बच्चों. हाँ सर, यस तो पॉइंट ई का वाई कोऑर्डिनेट √3 आ गया. अब दोनों पॉइंट आ गए तो इक्वेशन तो निकल जाएगी ना. हाँ सर, अभी हो जाएगा। थैंक यू सर। किसी बालक को डाउट, नहीं, गोपाल ठीक सर, इसमें मतलब मेरे को, मुझे मेथड पता है सर, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा बस। है. बेस बीसी ऊपर ट्रायंगल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट पी कॉमा क्यू. इक्वेशंस ऑफ ए बी व्हेन दिस दे रखा है. इक्वेशन ऑफ द मीडियन, बहुत इजी क्वेश्चन है. हाँ सर, वही मेथड पता है, लेकिन बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, बट हम कैसे करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन से सबसे बेस्ट. कैन आई से एनी, यही मीडियन निकालना है ना. कैन यस आई से ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है ए पे. एग्री करो. सर, यस सर, मतलब ये तीनों लाइन ए से पास कर रही है. हाँ है ना. हाँ सर, सो दे फोर दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. कमॉन. हाँ है ना. तो यस अगर मैंने ए बी को L1 बोल दिया, ए सी को L2 बोल दिया, तो ए एम जो मीडियन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो.
L1 plus lambda L2 equal to 0. Yes, sir. Yes. Are all of you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Lambda निकालने के लिए क्या information बताया वो किससे pass कर रहा है? Midpoint से? Yes, sir. Correct or not, everyone? Yes, sir. Yes. L1 की equation. और ये पास कर रहा है पी कॉमा क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस वन प्लस लैम्डा पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन. अब लैम्डा रखोगे तो मुझे लग रहा है पॉइंट सी वर्टेक्स सी जैसा आ जाएगा, ऑप्शन सी जैसा आंसर आ जाएगा. ठीक है, टू पी क्यू माइनस वन दिख रहा है ना? यस यस. क्लियर? यस. First out. So go power. Okay. AB, A से पास करने वाली और B लाइन, ठीक है, उसकी इक्वेशन पता है. AC पता है, मेजर AB विद रिस्पेक्ट टू AB लाइन. AC की इक्वेशन पता है. इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ AB विद रिस्पेक्ट टू AP. अच्छा, AP मतलब एंगल बाइसेक्टर होगा एक्चुअली. ये अगर AP माना है, इसके हर पॉइंट की इमेज वहां पे लाई करती है. यस. कौन इमेज ये होता है और ये कॉमन साइड है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया? इक्वल. इक्वल. यस. इसलिए एपी कौन हो गया? एंगल बाइसेक्टर. सबको दिख रहा है? हाँ सर. यस सर. इज दैट क्लियर बच्चों को? यस सर. यस सर. और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. एंगल बाइसेक्टर कर लेंगे, ठीक है? यस सर. ओके, टू वे डन सर. 40 के बाद भी डाउट था. 40. अच्छा, 40 तक ही तो किया अभी तक. ओके, टू वे 41 टू लास्ट. जल्दी बताओ क्या डाउट है. सॉरी. लास्ट चांस. ओके, 42nd. बहुत बच्चों को डाउट आता है क्योंकि थोड़ा पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एक्चुअली. ज्योमेट्री पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन पॉजिटिव एन एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, पॉइंट सी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो यहाँ पे, सच दैट ए बी अगर 5 है तो बी सी 4 है, 4 का मल्टीपल भली, और ये 3 का मल्टीपल है. मतलब ये राइट एंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये 90 डिग्री होगा, है ना? यस सर. अब लोकस ऑफ द पॉइंट सी पूछा है. पता नहीं मैंने फंडे की तरह लिखा है नहीं लिखा है, बट तुम्हें ध्यान होना चाहिए. अगर एक ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो ऑल थ्री पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल. क्या बोला मैंने? ऑल थ्री पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल जिसका डायमीटर कौन हो जाएगा? कम ऑन. डायमीटर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी. क्या ये सबको याद है? मैंने बताया था क्या? बताया था क्या सर? आपने बोला फॉर एनी थ्री पॉइंट्स अ सर्कल पासेस. वो तो है ही है, बट इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा अगर 90 डिग्री है. आई राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर मजे आ जाता है. हां सर, बताया था. ए बी डायमीटर है. अच्छा, ये भी एंगल 90 डिग्री है. कम ऑन. हां सर. यस. मतलब एक सर्कल पास करेगा इन तीनों पॉइंट से भी विद एबीएस डायमीटर. यस सर. यस सर. अगर दोनों सर्कल का सेम डायमीटर है तो दोनों सर्कल अलग सर्कल है या एक ही सर्कल? एक ही सर्कल. एक ही सर्कल. एक ही सर्कल है. मतलब दिस सर्कल पासेस थ्रू ऑल फोर पॉइंट्स लाइक दिस. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर.
अब उसी को भी ज्वाइन कर लेते हैं अपन, ये लो ये ना, ये कोई पॉइंट यहां से पास होना जरूरी नहीं, मिड पॉइंट से बस जनरल पॉइंट। इस एंगल को थीटा बोला तो ये एंगल भी थीटा होगा, जल्दी से एग्री करो। कम ऑन। यस सर। व्हाई? यस सर। सर आई एंगल्स फॉर्म बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यस सर। यस नो, इसने ये बनाया और इसने ये भी बनाया, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर। सो थीटा उस लाइन का स्लोप हो गया, तो टेन थीटा कितना हो गया इससे? वन। सो के अपॉन एच। के अपॉन एच। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। और मैं इसलिए थीटा में कराऊं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की इच्छा हो जाती है, राइट? यस। नाउ फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, हां है ना? यस सर। हां सर। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? 3k। 3k। और बेस कौन हो जाएगा? 4k। 4k। तो फर्स्ट एंड सेकंड से कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, देखो। आई होप दिख रहा है सबको, इक्वेट कर दूंगा मैं। हां यस। सो लोकस इज क्रॉस मल्टीप्लाइड 4k y = 3x। क्लियर बच्चे? यस सर। सर ये एग्जाम में स्ट्राइक होना चाहिए क्या? सर एग्जाम में स्ट्राइक होना चाहिए तो? नहीं नहीं, कोई स्ट्राइक होना जरूरी नहीं, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन सर्कल में बहुत सारे करोगे, तीन पॉइंट्स 90 डिग्री देखते ही डायमीटर, ये सर्कल में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में। उस डाउट तो अपन क्या करें, लाइन को देखो। इसका स्लोप कितना है? माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इसका स्लोप है एम टू, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तीसरे का स्लोप है माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। एम टू एम थ्री इज माइनस वन, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। यस सर। सेम वे में एम वन एम फोर भी माइनस वन हो जाएगा, दिख रहा है? ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब अगर ये चार लाइन्स है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, तो एम टू एम थ्री इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, करेक्ट है? यस सर। वर्टेक्स निकाल के तो कर ही सकते हैं, मैं तो कुछ और सोच रहा है अपन। वर्टाइसेस निकाले बिना वे अपॉन दिस, दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस देखो, पैरेलल लाइन तो है नहीं। None of these ही लग रहा है, क्या ऑप्शन है, क्या आंसर? None of these ही है। कुछ नहीं, अब इसके आसपास कुछ बोल ही नहीं सकते, तो none of these। इसको doubt है, clear है? Parallelogram है नहीं क्योंकि lines parallel नहीं है। Parallelogram नहीं है तो rectangle नहीं है, तो rhombus नहीं है, तो none of these ही होगा ना? Yes sir। इस नमूने को doubt था, clear है, बोलता नहीं है फिर। Yes sir, yes sir। Sir। हाँ। क्या बोल रहा है तू, थोड़ा सोच के तो बोलिए। एच कॉमा के इससे कैसे रिलेट करेगा डायरेक्टली? एच कॉमा के ये लोकस है इसके, तो इसका इससे क्या लेना देना डायरेक्टली? क्या तू बोल, बोलना डायरेक्टली ऐसे, तू बोल तो सही, कहां से इसको इससे रिलेट करूं मैं? आई होप इतना तो पता है, ये के और ये के सेम नहीं है, ये के और ये के सेम नहीं है। हां वो रेशियो लिया एच कॉमा के, ये पॉइंट है। अगर एक पॉइंट पता होता है, बस एक पॉइंट, ये एच कॉमा के
अब ये पता है कि ये साइड की लेंथ मान ले 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तब कैसे करूं इनसे रिलेट पता? ठीक है आगे बढ़ू। 46 पूछ डाउट। सो गोपन ए टू पॉइंट्स लाइन इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। यहां ये पता होना चाहिए सबको, तुमने 1b में डाउट नहीं पूछा, 1b में भी एक क्वेश्चन में था कि इफ टू पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन, क्या बोला मैंने, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से इक्विडिस्टेंट पे है तो या तो वो पैरेलल लाइन होगी ऐसी, तो मतलब इनके ab के पैरेलल लाइन होगी, तो देखो दोनों इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे, हां है ना? यस सर। या फिर ए और बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, देखो आया ना? यस सर। या फिर तीसरा सिनेरियो ए और बी, सॉरी ए और बी, वो लाइन ए और बी के बस मिड पॉइंट से पास कर जाए, कैसी भी हो मिड पॉइंट से पास कर जाए, तो हम क्या बोलेंगे, तो भी इक्विडिस्टेंट होगा उस लाइन से दोनों पॉइंट्स, कैसे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, क्यों, क्योंकि अब ट्रायंगल वापस वही कॉन्ग्रुएंट होगा, सुना समझे? यस। इफ लाइन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स देन ये तीन सिनेरियो ही हो सकते हैं, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस। अब क्या बोल रहा है, लाइन पी क्यू इज नाइदर पैरेलल मतलब ये वाला सिनेरियो नहीं, नॉर परपेंडिकुलर मतलब ये वाला भी नहीं है, तो मतलब वो किससे पास कर रहा है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से, तो लाइन ए पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, इफ द लाइन पी क्यू नाउ इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, तो मतलब मिड पॉइंट एक कोऑर्डिनेट पता है लाइन पे, करेक्ट, और एक और पॉइंट पता है, दोनों पॉइंट पता है तो लाइन तो निकल जाएगी ना। यस सर। तो हमें कैसे पता है कि मिड पॉइंट से ही पास हो रही है, क्योंकि अभी बताया गधे, अभी क्या बताया सर कि अगर अच्छा ओके सर गॉट इट, मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, अभी प्रूव किया ना कॉन्ग्रुएंट से। अच्छा हां समझा। इसका डाउट सर आ रहा है, मन सर इसमें डी ऑप्शन आ रहा था। हाँ सर सेम, हाँ सर डी आ रहा है, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, क्या करूँ मैं इसमें। हाँ सर बस कंफर्म करना था। हाँ हाँ एक बार देख लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के पहली बात तो अपोजिट एंड पे, सेम साइड पे नहीं है। यस। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट तुम्हें देखना आता ही है ना, देखो 4.1 पॉजिटिव दे रहा है, जल्दी से देखो एल वैल्यू। यस सर। हाँ है ना बच्चों, वेल 0.4 क्या दे रहा है एल वैल्यू, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब दोनों पॉइंट सेम साइड पे, अपोजिट साइड पे, अपोजिट, अपोजिट। अब पीए माइनस पीबी मैक्सिमम करना है, अगर पॉइंट पी को जो तुमने इंटरसेक्शन बता के तुम नन ऑफ दीज बोल रहे हो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली। हां सर। तो वो तो पीए प्लस पीबी मिनिमम की कंडीशन होगी, जल्दी से एग्री करो, कम ऑन, लाइन सेगमेंट पे लाइक अप करता है जब पीए प्लस पीबी मिनिमम होता है। हाँ है ना? यस यस। पीए माइनस पीबी मैक्सिमम होता है इसके साथ कोलिनियर, बट उसके लिए ए और बी को क्या होना चाहिए, कम ऑन, सेम साइड पे, तो वो सिनेरियो है ही नहीं है, इसके लिए तो पीए प्लस पीबी क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो कार्टून, मिनिमम हो जाएगा। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ पीए माइनस पीबी मैक्सिमम कैसे होगा सर, रिफ्लेक्ट करके। यस सर, इमेज ले, वही लग रहा है सर, वही एक केस होगा, वही लग रहा है, मैं बस सोच रहा हूँ उसके अलावा और कुछ कर सकते हो। अब क्या करोगे बच्चों, अगर मैं बी का
मान लो पॉइंट पी है, कहीं भी है ना पॉइंट पी यहाँ पे, तो बी का मिरर इमेज लूंगा तो पी बी विल बी सेम एज पी बी डैश, करेक्ट एवरीवन? यस। अब पी ए माइनस पी बी मैक्सिमाइज के लिए इस तरीके का सिनेरियो पॉसिबल हो पाएगा, कर लोगे आगे? हाँ सर। यस सर। आई होप क्लियर है। सो गोपाल सी द नोट्स अगेन। ओके सर। याद है मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था इंटरसेप्ट बिटवीन दिस, फिर मैंने थीटा यूज करके एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन करके कराया था। हां सर, पुराने होमवर्क का रिसॉल्व नहीं कर पाया इसे। वापस से नोट्स अगेन, ये ऐसा क्वेश्चन मैं कराता हूं क्लास में। 61 68 पूछ दो। तो गोपाल सर सेम क्वेश्चन है बच्चे, अभी वाला वापस यही करते हैं। कौन सा वाला सर? 20 याद है वो सर्कल वाला बच्चों? एवरीवन द सेम एज 42, सबको दिखा 90 डिग्री देख के वही सर्कल एवरीवन? यस हां सर। डू अगेन। तो कह रहा हूं सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी गोपाल ने अल्जेब्रिक डिस्टेंस वाला पूछा था, सेंट्रोइड से पास करा था, याद आया? वही क्वेश्चन है। हाँ सर, मैं कर लूंगा। पक्का करना है या मैं करूंगा? जल्दी बोल। नहीं सर, हो जाएगा। अल्जेब्रिक मतलब मॉड लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगी सर। नहीं लेगी। तो कह रहा A rectangle ABCD undergoes the following transformation. Okay. x comma y, y comma x मतलब ये y equal to x के about mirror image आया ना? Yes. तो पहले transformation के बाद सारे coordinates क्या होते हैं, याद है मैंने बताया था? y equal to x के about mirror image के 2, 4 क्या हो जाता है? 4, 2। तो origin तो origin ही रहेगा, agree करो? Yes sir। 4, 0 क्या हो जाएगा? 0, 4। 0, 2 क्या हो जाएगा? 2, 0। क्या हो जाएगा? मतलब पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रेक्टेंगल ऐसा हो जाएगा, हाँ है ना? यस यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या बोल रहा है? हर एक्स कोऑर्डिनेट को किससे रिप्लेस करो? एक्स प्लस थ्री वाई और वाई को सेम रखो। यस यस सर। कर दो ना यार, इतना मेरे से क्या करा रहे हो? 0 + 4 जैसे ये कोऑर्डिनेट है इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा, बट x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 + 3 = 4। हाँ यहाँ बच्चों? यस यस। दैट इज 12, 4। जल्दी बताओ सही है? यस सर। ओके, 0, 0 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 + 3 = 0। यस सर। यस, दैट इज क्या रहेगा? 0, 0 ही रहेगा विथ मी ना? यस सर। मतलब एक साइड तो ऐसी हो जाएगी। फिर 2, 4 क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 3 × 4। आया ना कार्टून? यस इट इज 14, 4।
और ये वाला कोऑर्डिनेट 2, 0 क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 3 × 0 दैट इज 2 ही रहेगा, है ना। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये हो गया, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब लास्ट ये करना है, एक्स कॉमा वाई की जगह एक्स माइनस वाई बाय टू एक्स प्लस वाई बाय टू, 0, 0 तो 0, 0 ही रहेगा, जल्दी से ओके करो। यस। 2, 0 क्या हो जाएगा, 2 − 0/2, 2 + 0/2 दैट इज 1, 1 साउंड्स ओके ना? यस सर। यस। 12, 4 किसमें चेंज हो जाएगा, 8/2 दैट इज 4, 8 ओके, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, 5, 9 ये है 4 पॉइंट्स। अब ऐसे 4 पॉइंट्स होंगे तो तुम चेक करो ना क्या है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, वो तुम्हारा काम है ना। पैरेललोग्राम ही आता है बस, पैरेललोग्राम। स्लोप स्लोप सेम दिख रहा है 8/4, 8/4 तो ये पैरेललोग्राम तो है ही है मिनिमम, यहाँ तक ओके? यस। रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ स्लोप 2 है यहाँ स्लोप 1 है, कोई भी हाल में 90 डिग्री नहीं है, बस पैरेललोग्राम। सर आ रहे मैम। The straight lines, दोनों parallel lines. Meets the x-axis at E1. Y-axis at B1 and B2. It is given that these 4 points are concyclic and locus of point of intersection. अगर ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल कितने होंगे, सप्लीमेंट्री ना, आए ना बच्चे? यस सर। पता है या नहीं पता है अरेमान? सर एकदम श्योर नहीं है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। अच्छा हाँ यस सर, यस सर, ये सीखा। यस सर ना? हाँ सर, यस सर। मतलब एक इसका स्लोप निकालेगा और एक इसका स्लोप निकालेगा, मतलब स्लोप ये डायरेक्टली ये नहीं है, वो तो तुम निकाल सकता है ना। हां सर, यस सर, हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जैसे इस लाइन का स्लोप तो टेन थीटा है, वो तो इनसे इक्वेट कर देगा तो एक रिलेशन आएगा, साउंड गुड? यस सर। और इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पाई माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री, एग्री कर? यस सर। पाई माइनस थीटा ये 90 डिग्री है, दिख रहा है? हाँ हाँ, यस सर। टेन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री, तो दोनों से एम को एलिमिनेट करेगा तो आराम से रिलेशन आ जाएगा, यहाँ तक ओके? ओके सर। तुम करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन में एक बार तुम्हें रिजल्ट डिराइव करोगे, तुम्हारा काम। फिर A1, B2 ये लाइन और ये वाली लाइन के बीच का लोकस चाहिए। मैंने बताया कभी भी लोकस ऐसे इन्वॉल्व करना है तो क्या लिखोगे, दोनों की इंटरसेक्ट फॉर्म और एच कॉमा के, दोनों को सेटिस्फाई करना है। यस सर। यस, पूरा करना ठीक है अरेमन? यस सर। ओके, दैट फिनिशेस टुडे।